इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के 3000 प्लस प्रश्नों के संग्रह में। टोटल आपको 30 पेपर सेट करवाए जाएंगे, जिसमें आज पेपर सेट नंबर 24 की चर्चा करूंगा। डेली 7 PM पर आपको ये पेपर सेट में देखने को मिलता है और डेली 4:45 बजे आपको या तो करंट अफेयर या फिर साइकोलॉजी की क्लास देखने को मिलती है। अगर अभी तक आपने सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। आज मैं वीडियो में बात करूँगा 24 पेपर नंबर सेट, जिसमें 1 मई 2017 को आपके सेकंड ग्रेड पेपर आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? आपके पास ऑप्शन है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, रोजा भाकर पहाड़ियाँ, इसराना भाकर पहाड़ियाँ या गिरवा पहाड़ियाँ। इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरवाड़ा पहाड़ियाँ आपके मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, तारा, बरखान, गोराउड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में आपका गोराउड बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग, गुआर गम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूणी नदी के प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है वो रंगाई छपाई उद्योग है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोराट पठार किसके मध्य स्थित है? अचलगढ़ और तारागढ़, गोगुंदा एवं बैराट, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा, जरगा एंड अचलगढ़। तो फोराट पठार है ये किसके मध्य स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ एंड गोगुंदा के मध्य। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है काल बैशाखी, आम्र वर्षा, मावठ, नॉर्वेस्टर। तो राजस्थान में जो सर्दी की वर्षा है वो कहलाती है मावठ। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है प्रतापगढ़, जालौर, बाड़मेर, डूंगरपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मरुस्थलीकरण और भू अवनयन एटलस के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र हैं 70%, 67%, 65%, 59%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 67%। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद या अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में बीहड़ प्रभावित जिले हैं आपके कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? एक साइड नदी है, एक साइड सहायक नदी है, काली सिंध निवाज, बनास सागी, माही चाप, साबरमती वाकल। तो इनमें से आपका कौन सा युग्म सही नहीं है? बनास सागी ये युग्म आपका सही नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? वाकल, खारी, बाणगंगा, कोठारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाणगंगा नदी को राजस्थान में रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर, क्या कथन कारण दोनों सही है? आपको ये पता करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है, यह कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है, ये आपका कारण गलत है। यानी कि आपका कथन तो सही है लेकिन कारण है वो आपका गलत है। ए सही है, आर गलत है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? शेरगढ़ शिव,
ओशिया शेरगढ़, बायतू चौटन, फलोदी पोकरण। तो बालू का स्तूप मुक्त है आपका, फलोदी पोकरण आपका डी है वो आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर जिले में बांका पट्टी फैली हुई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो असत्य है? पहला है कि आहार के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती है, मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, आहारवासी दीवारों और नींवों को मजबूत और सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो असत्य हो जाएगा, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी, एन आर बनर्जी, आर भंडारकर, आर सी अग्रवाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैराट में प्रथम जो उत्खनन है वो आपके दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रत्याहार राजवंश की सैन्य शक्ति और शरमर्दी का उल्लेख किया है? मार्को पोलो, सुलेमान, अल बिरूनी, अब्दुल रजाक। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुलेमान, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको इनमें से अणुराज के बारे में उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको सेलेक्ट करना है। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, ये सत्य है। वो मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, यह आपका असत्य है। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, ये भी सत्य है। वो अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था, ये भी सत्य है। पहला, तीसरा, चौथा। पहला, तीसरा, चौथा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले टोटल 30 पेपर सेट करवाए जाएंगे और इसमें वीडियो में मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो पेपर सेट नंबर 24 की कर रहा हूँ। डेली 7 PM पर आपको ये पेपर सेट देखने को मिलते हैं। रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? उलू खान, नुसरत खान, अकाद खान, उमर खान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने उलू खान को इस दुर्ग को अधिकार में सौंपा था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खाजाइन उल फुतुह, नूह ए सिपेहर, तुगलकनामा, मिफ्ता उल फुतुह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खाजाइन उल फुतुह, क्या हो जाएगा? खाजाइन उल फुतुह रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? जयमल, छालाज, रामशाह, दुर्गादास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छाला अज्जा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, वो आपको बताना है, चार में से कौन कौन से थे? तो सबसे पहले दिया हुआ राम सिंह तंवर, ये आपके थे, बीदा झाला ये भी थे, कृष्णदास चुंडावत ये भी थे, अशोक परमार आपके नहीं थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा शांगा, महाराणा राज सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? अलवर, मारवाड़, शिरोई, कोटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित नैनूराम शर्मा हैं, वो कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप सभा की स्थापना किसने की है?
माणिक्य लाल वर्मा, जय नारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, गोविंद गिरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संघ सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी, नवजीवन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान केसरी समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गौरीशंकर उपाध्याय, ठक्कर बप्पा, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष है वो भोगीलाल पांड्या थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 4, 3, 2, 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जाने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते थे। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड लोक देवता है, एक साइड मुख्य स्थल है, आपका सुमेलित कौन सा नहीं है? गोगा जी, गोगा मेड़ी एकदम सही है, मलिनाथ पिचिया, मलिनाथ पिचिया के ये आपका सुमेलित नहीं है, बाबूजी कोहली सही है, तेजाजी प्रवसर सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत माओ जी का संबंध कहाँ से है? डूंगरपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संत माओ जी का जो संबंध है वो आपके डूंगरपुर से है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विष्णोई संप्रदाय का संस्थापक था? हड़बूजी, बाबूजी, जाम्बोजी, गोगाजी। तो विष्णोई संप्रदाय का जो संस्थापक है वो कौन थे? जाम्बोजी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? गुप्त, गुर्जर प्रतिहार, मौर्य, द्रविड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता मंदिर है वो आपके कौन से स्थापत्य शैली में बना है? गुर्जर प्रतिहार। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़, खागरौन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मांडलगढ़ दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? आमेर जयपुर शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल उदय हुक्मा ये जीवन चित्रकला की आमेर जयपुर शैली से संबंधित थे। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध बैणेश्वर मेला किस माह में भरता है? ये आपको बताना, पौष, आषाढ़, फाल्गुन, माघ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का प्रसिद्ध बैणेश्वर मेला वो माघ माह में भरता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण, बैसाख, चैत्र, भाद्रपद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में तीज की सवारी है वो श्रावण मास में निकाली जाती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांगूरिया नृत्य होते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में, जड़ माता के मंदिर में। तो लांगूरिया नृत्य हैं वो आपके होते हैं केला देवी के मंदिर में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा निहत तरंग रचित हैं? राजा सावंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राय सिंह, राव बुद्ध सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राव बुद्ध सिंह के द्वारा निहत तरंग है वो रचित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है?
गैर, घूमर, गौरी, गरबा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? गौरी नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया? 2 अक्टूबर 1990, 18 जनवरी 1999, 26 जनवरी 1995, 10 दिसंबर 1998। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया था? 18 जनवरी 1999 को आया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, मुख्यमंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति के अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। आपके पास ऑप्शन है, वो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, वो राज्य के किसी भी लैब के पद को धारण कर सकते हैं, कौन राज्यपाल के संबंध में, वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई शव विवेक की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसका आपका बताना है कौन सा कथन है वो सही है। तो आपका केवल सी है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे 1969 में? बी मेहता, एस डी उज्जवल, मोहन मुखर्जी, मंगत राय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोहन मुखर्जी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सूची दी हुई है सचिवालय में रैंक और दूसरा उनका कार्य, आपको इनमें से सही उत्तर का चयन करना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। तो शासन सचिव का हो जाएगा नीति निर्माण, परियोजना अधिकारी का हो जाएगा कार्यक्रम क्रियान्वयन, अनुभाग अधिकारी का हो जाएगा आपका कौन सा संपूर्ण पर्यवेक्षण, और जो पीछे बचा सहायक का हो जाएगा नैतिक लिपिकीय कार्य। करेक्ट आंसर दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे गवर्नर जनरल, राज्यपाल, राज प्रमुख, महाराजाधिराज। तो 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख हैं वो जाने जाते थे राज प्रमुख के रूप में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है जिसका अर्थ क्या है? वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं, वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, वह राज्य में सिविल सेवा का प्रधान होता है, वह कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची है, एक साइड मुख्यमंत्री का नाम है, एक साइड कार्यकाल है। सही उत्तर का आपको चयन करना है कि कौन सा उत्तर आपका सही है। जगन्नाथ पहाड़िया जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका कार्यकाल कौन सा सही है? तो उनका कार्यकाल 1980 से 81 के बीच में रहा था, तो पहले का सी हो जाएगा। बरकतुल्ला खान का 1971 से 73 हो जाएगा, फैरोज सिंह शेखावत का 1977 से 80 हो जाएगा, और मोहनलाल सुखाड़िया का 1954 से 57 हो जाएगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर अभी तक आपने सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विदित प्रमुख कौन है? राज्य के मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, राज्य के महाधिवक्ता या राज्य के राज्यपाल? तो राजस्थान में राज्य प्रशासन के विदित प्रमुख है वो होते हैं राज्य के राज्यपाल। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है नीचे दिए गए कूट में, सही उत्तर को आपको सेलेक्ट करना है। कैबिनेट के सचिव के रूप में क्या राज्य का जो मुख्य सचिव वो कार्य करता है? एकदम सही है। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में? सही है।
सचिवों के मुखिया के रूप में ये भी सही है, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में ये भी सही है, राज्य के प्रधान के रूप में ये गलत है। ए बी सी डी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण 1974 की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्थापित किया गया था। यह नाभिकीय प्रसार की रोकथाम के लिए उस सामग्री, साजो सामान व तकनीक के निर्यात पर नियंत्रण करता है जिसका नाभिकीय हथियारों के निर्माण में उपयोग हो सकता है। वर्तमान में इसमें केवल 30 सदस्य हैं। भारत ने जून 2016 में बीजिंग में पूर्ण बैठक में इसका सदस्य बनने का प्रयास किया था। तो इसमें आपका ए और बी है वो आपके दो सही हैं, बाकी आपके कोई भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर ए और बी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी, ये आपका गलत है। अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना व्यवस्था की जिसमें प्रांत और देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे, ये आपका सही है। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन दो सूचियों, संघ सूची और प्रांतीय सूची में किया था, ये आपका गलत है। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई, ये सही है। बी और डी दोनों सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का एक भाग है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का अनुच्छेद 49। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 48 में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का एक भाग है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की? जवाहरलाल नेहरू, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की जो नीति है वो प्रारंभ की थी नरेंद्र मोदी ने, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित हैं 18 मद, 28 मद, 19 मद, 29 मद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है 29 मद, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है? सरकार आपके द्वार, प्रशासन आपके द्वार, न्याय आपके द्वार, पुलिस आपके द्वार। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा न्याय आपके द्वार योजना का उद्देश्य लंबित राजस्वी अदालती मामलों को निपटाना है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजना को पारित किया गया, इनमें से ये आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हो क्योंकि उस टाइम का क्वेश्चन था, अब नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? माउंट ब्रूस, कोशिश्को, ब्लू माउंटेन, माउंट ओड। तो ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च पर्वतीय शिखर है वो है आपके कोशिश्को, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 16 दिसंबर। तो पृथ्वी दिवस है यह आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवने होती है? दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवने, दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवने, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवने, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवने। तो दक्षिण पश्चिम से जो चलने वाली स्थायी पवने हैं वो आपके होती है उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवने, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलका जल डमरू मध्य अलग करता है सुमात्रा और ब्रोनियो को, सुमात्रा और जावा को, मलेशिया और जावा को, मलेशिया और सुमात्रा को। तो मलका जल डमरू मध्य है यह आपको अलग किसको करता है? मलेशिया और सुमात्रा को, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड नदी है, एक साइड शायक नदी दी हुई है। मिसिसिपी नदी की शायक ओयो एकदम सही है, अमेजन का मडेइरा सही है, मरे का डार्लिंग ये भी सही है, होंग हे का मीन ये आपका सुमिलित नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 6 उत्तर से 37 डिग्री 4 उत्तर व 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व
8 डिग्री 4 उत्तर से, 37 डिग्री 6 उत्तर व 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व की ओर, या 6 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर व 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व की ओर, या फिर आपके 6 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 4 उत्तर व 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व की ओर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर वो 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व की ओर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? अनाईमुड़ी, नीलगिरी, अमरकंटक, गोमनपुर। तो प्रायद्वीप भारत की जो सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है वो आपके अनाईमुड़ी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवने किस तट के सहारे वर्षा करती है? कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवने हैं वो किस तट के सहारे वर्षा करती है? कोरोमंडल तट के सहारे वर्षा करती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर, दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डियागो गार्सिया द्वीप है वो आपके कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदी नहीं है गोमती, मानस, घाघर, सोन। तो गंगा की सहायक नदी नहीं है मानस, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल, माही, कालेसिंध, लूणी। तो चूलिया जलप्रपात है वो आपके चंबल नदी पर स्थित है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके आरपीएससी द्वारा पूछे गए जीके के क्वेश्चन, पेपर सेट नंबर 24 था, टोटल आपको 30 पेपर सेट करवाए जाएंगे। अगर अभी तक 1 से 23 तक पेपर सेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।